हाय फ्रेंड्स, रीजनिंग के सिलेबस से रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। मेरा नाम है नसीम अंसारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का क्या सिलेबस है बैंक क्लर्क के एग्जाम में, बैंक पीओ में, एसओ में। ठीक है, तो बैंक का जिनका भी टारगेट होगा दोस्तों, तो उनको जानना चाहिए कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। यदि आप टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। देखिए, ये कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है वर्बल पार्ट। तो वर्बल में पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट नंबर एंड सिंबल। सेकंड है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें कुछ चेंजेस भी अभी हुए हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे भी डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के तीन टाइप हैं, एक फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन से, या फिर पॉइंटिंग से। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम लोग जानते ही हैं, अपने राइट हैंड को ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, आगे नॉर्थ और पीछे साउथ। लेकिन दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस आजकल चेंज चेंज भी किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लेटेस्ट अपडेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया है, तो वो आप देख सकते हैं डायरेक्शन के। इसके बाद है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप उसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। इसका भी मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी सम आउटसाइड और सम इनसाइड वाला देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको बॉक्स वाला भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। बॉक्स में कुछ मिडिल में बैठे हैं, कुछ कॉर्नर में हैं, कॉर्नर वाले सेंटर, मिडिल वाले आउटसाइड, या फिर टू पर्सन्स आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ द टेबल। एक स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगल टेबल है, उसके चारों साइड में मिडिल में दो दो लोग बैठे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या फिर रो एंड कॉलम वाला, मंथ या फिर ईयर वाला, इस तरह से। फिर डेटा सफिशियंसी, ठीक है दोस्तों, डेटा सफिशियंसी में हर एक चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद है एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो इसमें मशीन इनपुट, फिर इनइक्वलिटी, फिर डिसीजन मेकिंग और सिलोजिज्म। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखिए, और थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप क्या है, देखिए, देखिए दोस्तों, तो दो पार्ट हो चुका है। तीसरा पार्ट है लॉजिकल पार्ट, लॉजिकल सेक्शन। इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट और ड्रॉइंग इन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग ये भी डिस्कस चलिए कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट नंबर एंड सिंबल से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 5 मार्क्स, और 3 मार्क्स ले सकते हैं, मिनिमम 3 मार्क्स। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 3 मार्क्स, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक ही बहुत स्कोरिंग है बैंक एग्जाम के लिए। डेटा सफिशियंसी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मशीन इनपुट 5 मार्क्स, मशीन इनपुट पीटी में पूछे जाने का कम चांस है, मेंस में पूछा जाने का ज़्यादा चांस है। इनइक्वलिटी 5 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 5 मार्क्स, यदि हो सकता है मेंस में पूछा जाए, पीटी में ना पूछा जाए, मेंस में यदि पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, सिलोजियम के 5 मार्क्स, नेक्स्ट। देखिए दोस्तों,
लॉजिकल पार्ट जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन एजम्पशन कोर्स ऑफ एक्शन आर्ग्यूमेंट कॉज एंड इफेक्ट ड्रॉइंग इन्फ्रेंस सब से मिलाकर 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को अब पता चल गया होगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का क्या डेफिनेशन है मैंने वो भी लिख दिया है। टू फाइंड आउट द कंक्लूजन विद ए सुटेबल रीजन, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। एक सटीक कारण देते हुए जब निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है तो उसे ही रीजनिंग कहा जाता है, तर्क शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स लेकर मैं आता ही रहूँगा। हमारे कंसल्ट में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक जो भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको मिले, और अपने दोस्तों को भी बताइए और फायदा उठाइए। टेक केयर, गुड बाय।